राधे राधे शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज मैं आपको पोपा बाई का उद्यापन कैसे किया जाता है और संकल्प कैसे लेते हैं ये बताने जा रही हूँ। तो मकर संक्रांति के दिन ही आप संकल्प लें और पूरा साल प्रतिदिन नियम पूर्वक पोपा बाई की कहानी सुने। उसके बाद जब अगले साल मकर संक्रांति आए तब उद्यापन करें। इसके उद्यापन में ज्यादा कुछ नहीं होता है। पोपा बाई के 5 वस्त्र होते हैं। ये देखो, ये साड़ी है, ब्लाउज इसी में है, ये स्टोल है, ये पेटीकोट है, ये जुराबे हैं। ये 5 वस्त्र पोपा बाई के हैं और ये धर्मराज जी का भी, क्योंकि धर्मराज जी के द्वार ही गई थी। पोपा बाई को धर्मराज जी ने ही स्वर्ग का राज्य दिया था, इसलिए कुर्ता पजामा ये धर्मराज जी के। इसमें क्या है, ये 8 खोपरे लेने होते हैं आपको, ऐसे खोपरे लेने होते हैं, फिर उनके टुकड़े कर लो और ये 4 लेकर इसके 8 हो गए और इनको राई से भर दो। अब मकर संक्रांति का त्योहार है इसलिए आप मूंगफली, रेवड़ी, ये देखो ये पॉपकॉर्न और जो है गुड़ है, ये दाल है, चावल है और ये तिल के लड्डू हैं, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन इन चीजों को देने का बहुत महत्व है। मुख्य रूप से 8 खोपरे राई से भरकर 5 वस्त्र सहित जो है पोपा बाई के निमित्त दान किया जाता है। दक्षिणा बहुत जरूरी होती है क्योंकि दक्षिणा के बिना दान पुण्य नहीं लगता। फिर हाथ में जल लेकर और आपको जो है ऐसे 7 बार इनको मिनस देना है कहकर कि राज है पोपा बाई का, लेखा लेगी राई राई का। तो आप सब भी पोपा बाई की कहानी सुनने का संकल्प ले, सुने, उद्यापन करें, आपको भी स्वर्ग का राज्य अवश्य मिलेगा। उसके बाद अगर चैनल पर नए आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद लाइक और शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। उसके बाद बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको ऐसी धार्मिक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद।